आज हम लोग मानव नेत्र के संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये आपका एक नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आंखों से 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस सेंटेंस को आप लोग ध्यान से समझिए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति है जो कि 70 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर जब हम वस्तु को रख रहे हैं तो वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि 70 सेंटीमीटर या 70 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी पर जब वस्तु को रखा जाता है तभी वह देख पाता है। जब 70 सेंटीमीटर से कम की दूरी पर वस्तु को लाकर रखेंगे तो वह वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो यह आपको समझ में आया होगा कि उस व्यक्ति की आंख में किस प्रकार का दोष है, दूरदृष्टि दोष। तो उस व्यक्ति की आंख में दूरदृष्टि दोष है। आगे और हम लोगों को इसमें निकालना है कि इस दोष के निवारण के लिए उसे चश्मे में किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आप लोग ये जानते हैं कि अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। तो आइए इसको हम लोग हल करें और हल करके फोकस दूरी का मान निकालें। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि मनुष्य के नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। मनुष्य के नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। तो अब यहां पर प्रश्न में पूछ रहा है कि इसके निवारण के लिए उसे चश्मे में किस प्रकार का तथा कितनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि उस व्यक्ति को 70 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब वस्तु को रखी जा रही है तो वह क्या कर रहा है, प्रतिबिंब यानी वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो ये 70 सेंटीमीटर क्या है, यू है कि भी है, भी है, क्योंकि 70 सेंटीमीटर पर या 70 सेंटीमीटर से अधिक पर ही वह वस्तु को देखेगा। तो ये आपका भी है, भी बराबर क्या, भी बराबर 70 सेंटीमीटर। अब हम देखिए जो हम यहाँ पे चिन्ह लेंगे निगेटिव लेंगे यानी माइनस का लेंगे, ठीक है ना, तो ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब ये हम जानते हैं
की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यू, क्या है यू, तो उसका जो मान होता है 25 सेंटीमीटर। ये आपको मालूम है कि वस्तु की भी दूरी हम क्या रखेंगे, निगेटिव में ही रखेंगे, माइनस में। क्लियर हो गया है। अब यहां से हम फोकस दूरी की गणना करेंगे। लेंस का सूत्र यहां पे प्रयोग किया जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, दैट इंप्लाइज 1/f बराबर 1/v। तो यहां पर v का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/, v का मान क्या है, -70। यहां पे रखेंगे -70। देखिए माइनस यू का मान भी माइनस में है, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 1/ यू, यू का मान है आपका 25, -25, जो कि यहां पे माइनस और माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगले पॉइंट में, कि यहां पर हर को धनात्मक बनाएंगे, हर को क्या करेंगे, धनात्मक बनाएंगे। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए अंश और हर में -1 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/70 प्लस 1/25। अब देखिए 1/f बराबर 70 का और 25 का यहां पर एलसीएम लेंगे, तो 70 और 25 का जो एलसीएम होगा कितना होगा, 1000, बोलिए 200, नहीं 1750, हाँ ये होगा 1750 होगा, 1750। अब यहां पर जब हम निकालेंगे एलसीएम तो हो गया, अब इसमें 70 में 25 से गुणा करना पड़ेगा तब यहां पे आएगा 1750। ठीक है, इसके बाद यहां पे हो जाएगा 25 से कम 25, इसके बाद प्लस ये 25 में 70 से गुणा कराने पर आ जाएगा 1750, तो 70 एकम 70। अब देखिए डेट इंप्लाइज 1/f बराबर, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो 70 में से 25 को घटाएंगे होगा 45, क्या होगा 45, 45/1750। देखिए डेट इंप्लाइज यहां पर f बराबर 1750/45। इस परिमेय संख्या को हम लोग क्या करें, डेट इंप्लाइज f बराबर, इस परिमेय संख्या को सरलतम रूप में बदल दें, छोटा रूप, तो ये हो जाएगा 5 से छोटा करेंगे इसको, 5 × 45, 5 × 15 और 5 × 5 = 25 और 0 × 0, तो 350/9। तो डेट इंप्लाइज f बराबर
350 में 9 से भाग करेंगे तो आएगा 38.88 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो फोकस दूरी का मान निकला है धनात्मक निकला है ना, तो आप इसका प्रयोग बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा। कौन सा लेंस प्रयोग किया गया है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस 38.88 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उपयोग करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पे लिख देंगे कि अतः चश्मे में 38.88 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। यही प्राप्त आंसर होगा। आप जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।